जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर एग्जाम का डेट शीट जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों का एग्जाम कब से कब तक लिया जाएगा और साथ ही आप लोग के हॉल टिकट वगैरह कब तक जारी किए जाएंगे, सब डिटेल्स यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जितने भी छात्रों के एग्जाम छूटे हैं या फिर जिन छात्रों के एग्जाम होने वाले अगले सत्र में, तो फाइनली सभी को वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक लाल बटन दिख सब्सक्राइब वाला, उसको दबाना, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना है और आप तक आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि मेरे आईटीआई संस्थान पर जो भी आईटीआई रिगार्डिंग अपडेट्स नोटिस आती है वो आपको सबसे पहले बताई जाती है। तो आप लोग अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यही आप लोगों का नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली आप लोगों का दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और यह देखिए आपका 25 मार्च को आप लोगों का आया हुआ है नोटिस, जो कि डीजीटी का है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आल डायरेक्टर, आल यूटी और आईटीआई, प्राइवेट आईटी सभी के लिए यहाँ पर नोटिस है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया गया है, दिया गया यहाँ पर सब्जेक्ट डिजिटल शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2020 से 22 सेकेंड ईयर, 2021 से 23 फर्स्ट ईयर एंड 2021 से 22 वन ईयर और 6 मंथ कोर्स रिगार्डिंग, ठीक है। यानी जितने भी छात्रों के यहाँ पर 2020 से 22 का सेकेंड ईयर का यहाँ पर एग्जाम है और साथ ही जिनका 2021 से 23 में एडमिशन हुआ है, उनका आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्जाम है और साथ ही जिनका एक साल का कोर्स है या फिर 6 महीने का कोर्स है, उनका एडमिशन 2021 से 22 के सत्र में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का बताया जा रहा है कि इन रेफरेंस टू मीटिंग विथ द स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चेयर्ड बाई द सेक्रेटरी MHDE ऑन 10 मार्च 2022, इट हैज़ बी डिसाइडेड टू कम्प्लीट द सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर कोर्स 2020 से 22 फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर कोर्स 2021 से 23 एंड फर्स्ट ईयर कोर्स 2021 से 22 बाई 31 जुलाई 2022 एंड द 6 मंथ कोर्स बाई 30 जून 2022, इन ऑर्डर टू रिज्यूम द नॉर्मल एकेडमिक सेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022 ऑनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पर देखिए, पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ कि वन ईयर कोर्स, टू ईयर और फर्स्ट ईयर 6 मंथ के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी, टेंटिविटी, डेट और रिमार्क आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाई कैंडिडेट्स, यानी आपका 15/4/2022 से लेकर के 15/5/2022 तक आप लोगों का जो डमी हॉल टिकट है वो आप लोगों का जारी किया जाएगा, जो कि आपका कोई भी त्रुटि होता है तो आप लोग उसे संशोधन करवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16/5/2022 से लेकर 30/5 तक आप लोग नोडल आईटीआई स्टेट RDSDE द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्रिया जो है आप लोगों का, तो यहाँ पर 16/6/2022 से लेकर 5/7/2022 तक आप लोगों का अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का जो होगा, यहाँ पर दिया गया है डेट 11/7/2022 तक आप लोग एग्जाम होने हैं, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 18/7/2022 से लेकर के 20/7/2022 तक आप लोगों का हॉल टिकट डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का 1/8/2022 से लेकर के 5/8/2022 तक आप लोगों का एग्जाम चलेंगे प्रैक्टिकल के। इसके बाद 2/8/2022 से लेकर के 18/8/2022 तक आप लोगों का प्रैक्टिकल का मार्क अपलोड किया जाएगा NCVT MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद ही आप लोगों के CVT एग्जाम्स होंगे, जो कि ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है 1/6/2022 से लेकर के 6/7/2022 तक आप लोगों का टेंटेटिव सेंटर मैपिंग किया जाएगा। 8/7/2022 से लेकर के 12/7/2022 तक आप लोग का फाइनल सेंटर मैपिंग हो जाएगा। इसके बाद 14/7/2022 से लेकर के 22/7/2022 तक हॉल टिकट जनरेशन एंड डाउनलोडिंग आप लोगों का होगा। इसके बाद 23/7/2022 से लेकर के 30/7/2022 तक आप लोगों का सेंटर मैपिंग ग्रीवेंस होगा। इसके बाद आप लोगों का 8 अगस्त, यानी 8/8/2022 से लेकर के 19/8/2022 तक आप लोगों के CVT एग्जाम्स होंगे। इसके बाद आप लोगों का 27/8/2022 तक आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनली आप लोग यह डेट्स देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही नोटिस है यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइन किया गया है डीजीटी का। इसके बाद देखिए टू ईयर का जो कोर्स है उनका यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। टू ईयर जिनका सेकेंड ईयर है,
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का बताया जा रहा है कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाई कैंडिडेट 15/4/22 से लेकर के 15/5/22 तक आप लोगों का किया जाएगा। इसके कोई भी प्रोफाइल में आप लोगों का मिस्टेक्स होता है और आप लोगों का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर आपको कोई भी त्रुटि होता है तो आप लोग उसे सही करवा लीजिएगा इतने डेट में। इसके बाद आप लोगों का बताया जा रहा है कि रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवेंसेस यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 16/5/22 से लेकर 30/5/22 तक आप लोगों का नोटल आईटीआई द्वारा करवा सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है 16/6/22 से लेकर के 5/7/22 तक आप लोगों का एलिजिबिलिटी अपलोडेड फॉर असाइनमेंट मार्क्स सिस्टम मार्क अटेंडेंस सब आपका यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपका 11/7/22 से लेकर के प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग किया जाएगा। 18/7/22 से लेकर के 22/7/22 तक आप लोगों का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड किया जाएगा। और 1/8/22 से लेकर के 5/8/22 तक आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम चलेगा। इसके बाद 2/8/22 से लेकर के 18/8/22 तक आपका प्रैक्टिकल मार्क अपलोड कर दिया जाएगा एनसीवीटी मार्क्स के पोर्टल पे। इसके बाद ही आप लोगों का ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सीबीटी एग्जाम्स लिया जाएगा। क्योंकि पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, इसके बाद ही आप लोगों के सीबीटी एग्जाम्स लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका 1/6/22 से लेकर के 6/7/22 तक आपका टेंटेटिव सेंटर मैपिंग किया जाएगा। इसके बाद 8/7/22 से लेकर के 12/7/22 तक आप लोगों का फाइनल सेंटर मैपिंग किया जाएगा। 14/7/22 से लेकर के 22/7/22 तक आप लोगों का हॉल टिकट जनरेशन और डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद 23/7/22 से लेकर के 30/7/22 तक आप लोगों का सेंटर मैपिंग हो जाएगा। इसके बाद ये आप लोग सीबीटी एग्जाम से लिए जाएंगे। 20/8/22 से लेकर के 30/8/22 तक आप लोग सीबीटी एग्जाम चलेंगे। इसके बाद आपका 10/9 तक आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आगे जैसे ही कोई भी खबर आती है मैं आप लोगों को बता रहूँगा, आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। ये नोटिस आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। जिन भी छात्रों के एग्जाम सभी नहीं हुए हैं तो आप लोग यह डेट शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें लगभग 1500 प्लस मेंबर शामिल हो चुके हैं। तो आप लोग भी अभी ज्वाइन कर लीजिए। और उस ग्रुप में भी मैंने यह आप लोगों का जो यह सीट है, डेट शीट है, मैंने उसमें भेज दिया है। आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी छात्र मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना है और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है और बेल घंटी को ऑल प्रेस करना है। और आप तक आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट आईटीआई टीचर हूँ और मेरे आईटीआई संस्थान पर डीजीटी का ईमेल वगैरह और जो आपका डीजीटी का नोटिस हो गया वो भी आते रहते हैं, तो आपको बताए जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप लोग एग्जाम से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपका परीक्षा होगा, प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइव में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी परीक्षा की तैयारी कहाँ से करेंगे, सब डिटेल्स यहाँ पर बताई जाती है। और साथ ही साथ आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए, ताकि आप लोग आने वाले वीडियो टिप्स आपको मिलता रहे और आप लोग कोई भी लाभ यहाँ पर जो है उसे छूट ना पाए, आपको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।